कौन है अब्दुल कादिर? तो चलिए आपको ले चलते हैं अब्दुल कादिर के सियासी सफर पर। युवा कांग्रेस नेता अब्दुल कादिर का सियासी सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। काशीपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे अब्दुल कादिर ने 2004 से काशीपुर स्थित डिग्री कॉलेज में छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। तब वह पहली बार छात्र संघ में चुने गए थे। 2005 में अब्दुल कादिर काशीपुर डिग्री कॉलेज के सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही कादिर 2006 में काशीपुर डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 40 वर्षीय कादिर ने शहर व प्रदेश के विश्वसनीय कांग्रेस नेताओं और युवाओं में अपनी पहचान बनाई। अब्दुल कादिर के पिता काशीपुर में एक छोटी लोहे मरम्मत की दुकान चलाते हैं। कादिर भी अपने पिता के काम में मदद करते रहे और राजनीति में भी सक्रिय रहे। 2008 में वह कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI काशीपुर के अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में अब्दुल कादिर को कांग्रेस संगठन की छात्र इकाई NSUI द्वारा उधम सिंह नगर जिले का उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था। 2011 में काशीपुर के युवाओं द्वारा उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक सक्रियता को देखते हुए अब्दुल कादिर को काशीपुर युवा कांग्रेस का पहला निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। 2013 में काशीपुर को जब पहली बार नगर निगम का दर्जा मिला, तब पहली बार उनके क्षेत्र की जनता ने अब्दुल कादिर को पार्षद बनाकर नगर निगम में भेजा था, जिसमें उन्होंने बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब्दुल कादिर नगर निगम काशीपुर में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही वह कुमाऊं मंडल पार्षद संघ के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब्दुल कादिर की निस्वार्थ समाज सेवा को देखते हुए तत्कालीन उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने अब्दुल कादिर को उत्तराखंड सरकार में उधम सिंह नगर जिले की निर्माण सलाहकार समिति का सदस्य भी नामित किया था। 2015 में वर्तमान में खटीमा के विधायक एवं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी जी द्वारा प्रदेश कमेटी में प्रदेश सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2018 में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के हजारों सदस्यों द्वारा अब्दुल कादिर को उत्तराखंड युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी निर्वाचित किया गया था। साथ ही 2018 के नगर निगम चुनाव में अब्दुल कादिर की साफ सुथरी एवं ईमानदार छवि और उनकी शानदार कार्यशैली को देखते हुए उनके रूप में वार्ड 12 लक्ष्मीपुर पट्टी महिला के लिए आरक्षित सीट पर उनकी पत्नी श्रीमती रूबी सैफी को एक बार फिर नगर निगम का पार्षद बनाकर निगम भेजा। अब्दुल कादिर काशीपुर पार्षद संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उनकी पत्नी पार्षद श्रीमती रूबी सैफी भी उन्हीं की सूझबूझ और मेहनत के दम पर महिला पार्षद संघ की अध्यक्ष बनाई गई थी। वर्तमान में अब्दुल कादिर उधम सिंह नगर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, अब्दुल कादिर ने काशीपुर के राधे हरि महाविद्यालय से MCOM किया है और उन्होंने राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करते हुए MA भी किया है। अब्दुल कादिर ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से योग में भी PG डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। पिछले 20 वर्षों के लंबे राजनीतिक सफर में अब्दुल कादिर की साफ सुथरी छवि बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है। अब्दुल कादिर का भी कहना है कि लोग हमेशा 24 घंटे उपलब्ध होने वाले नेता को ही चुनते हैं। उनके मुताबिक राजनीति पूरे वक्त का समर्पण मांगती है। उनके परिवार से कभी कोई भी राजनीति में नहीं रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में काशीपुर की राजनीति में अब्दुल कादिर की क्या भूमिका रहेगी।